पापा लगा है। पापा लगा है। पापा लगा है। पापा लगा है। पापा हमें अरे भाई ये ना इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। यहाँ पर पाई फुल कोशिश कर रहे हैं बिड़वाने की हमें। मैंने कही है नीतू बहुत सुंदर लग रही है। देखते हैं सास और पति कितना प्यार करते हैं। ओए लखनीत। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आओ काना, आपके साथ पता है क्या हुआ है आज? आपकी बाइक रेडी हो गई है, गो। क्या हुआ जल्दी बताओ, क्या बोला था अभी थोड़ी देर पहले? मैं नहीं लूंगा। क्यों? जब मैं 20 तक ही टेबल नहीं सुना जमी लूंगा। जब तक नहीं लोगे? कितने तक याद हो गए आपको? अभी तक तो 8 तक है। 8 तक याद है? एक राउंड चला ले फिर कर लेना। ओके चलो जल्दी आओ। एक्चुअली गाइस क्या हुआ ना, ये टेबल्स इसको जितने भी आते वो सभी भूल गया, तो पुनीत ने इसको बोले तो 20 तक नहीं होंगे तब तक नहीं टच करेगा, लेकिन यार एक राउंड ले लेगा क्योंकि इसी के लिए तो है ये। गाइस सबके सब डर रहे हैं। गाइस सब तीनों के तीनों बच्चे हमारे डर गए बाइक से। है काना? हाँ। क्यों डरा रहे तूने तीनों को? यार ठंड तो बहुत ज्यादा वाली आ चुकी है, धीरे धीरे भी नहीं आई, एक साथ ही आ गई। मेरे को लग रहा है धूप की तेज पड़ रही है ना। मेरे को तो गर्मियों में नहाने में मौत आती थी, अब तो ठंडों में तो क्या ही हाल होगा अपना। बस अब वेट है कोहरा आने लगे। कोहरा आने के बाद क्या होता है कि अपने को सोने का ज्यादा बहाना मिल जाता है, सुबह लेट तक उठ सकते हैं आराम से क्योंकि दुनिया में कुछ हो ही नहीं रहा होता। सोचो दिल्ली में ये हाल है तो पहाड़ों पर तो क्या हाल होगा। पहाड़ों पर हमारी इजा गई हुई है, इजा को कॉल करके पूछता हूँ कि क्या हाल चाल है पहाड़ों के। हाँ इजा को कॉल करके पूछ रहा हूँ पहाड़ों पर क्या हाल चाल चल रहा है। अरे बहुत मस्त कर मजा कर रही है। वो तो फोन ही उठा रही मेरा। जो चले बूची अभी। हेलो तू कहाँ घूम रही है सुबह सुबह आवारा? अरे पूजा पूजा बजा रही, पूजा में पूजा हो रही है। इजा का फोन नहीं उठा रही अपना? अरे उनका फोन तो मेरे पास ही है। मुझे को ले करा। तो तू क्यों उठा रही उनका फोन? अरे तो मैं बिजी थी, ब्लॉगिंग कर रही थी। हां मत जियो, एक महीने से पहले यहां। ठीक है पूजा करने आए हम लोग। अरे वाह ठंड है वहां? ठंड? अरे बहुत ठंड है भैया। खाना गुड, हम भी आएंगे अब 15 दिन में। तुम नहीं आओगे? इसे क्या पता, दिवाली के बाद। दिवाली के बाद हम आ रहे हैं। ठीक है तो अपनी एंगेजमेंट के पहले हम लोग इसी टाइम गए थे, पहले टाइम में चले गए और इतना मजा आया था, इतनी ठंड भी थी लेकिन अच्छा भी लगा था, दोबारा से मन कर रहा है वहाँ जाने का। बाय द वे मैंने नेटॉस का न्यू कलेक्शन पहना है जो कि 15% और 10% ऑफ पर है, तो आप भी जाके ले लो। यस उसका जो कोड है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर मेरे पैरों में दर्द है और एक अच्छे हस्बैंड का फर्ज निभाते हुए मेरा हस्बैंड मेरे कभी कैमरे का लेंस साफ कर लिया करने, तो बहुत अच्छा लगेगा लोगों को अगर क्लियर वीडियो देखेंगे ना। ये आप पागल हो? हाँ लखन कैमरे का लेंस तो बहुत गंदा था। यू आर राइट, अब भी गंदा है वैसे तो। अब नहीं अब क्लीन है समझे, तुम इतना भी मेरे को मत किया करो। गुजी गाड़ी में जाना है डुम्मी डुम्मी? मेरी बेटी को डुम्मी डुम्मी जाना है। लखन अगर तुम मेरे पैर दबाओगे तो कितना अच्छा होगा, दबा दो। लखन यू आर 72 एंड ब्राउन गुची 16 कितना वेट हो गया मेरा 88. मेरे पैरों पर 88 अब इतना सुकून मिल रहा है पैरों को। बेबी रुक जाओ, मम्मा के पैर दबा रहे हो आप इनडायरेक्टली। हाँ बेटा मम्मा को पैर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, थोड़ा सा चल जाता ना इतना मजा आता है तो दूची बैठी है। लेकिन करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दे रहे हो? करवा चौथ पे रुक जा, करवा चौथ आने तो दे, सोचूंगा। गपोड़े जो मैं करने वाला हूँ तेरे को पसंद तो नहीं आएगा लेकिन तेरी हेल्थ के लिए वही अच्छा है। तेरे पैर में दर्द हो रहा है ना? अरे यार मैं नहीं उठ रही हूँ, मेरे दर्द हो रहा है। अरे उठ जल्दी यार, सीधे चल सीधे चल। वहाँ नहीं वहाँ नहीं, तू उधर नहीं उधर नहीं, इधर चल। सामने तेरे को येलो मैट दिख रहा होगा ना? अरे मेरे तलवों में थोड़ी दर्द हो रहा है। अरे बात तलवों की नहीं है, ये एक्यूप्रेशर होता है, पूरी बॉडी का मैग्नेटिक अलाइनमेंट ठीक होगा इससे। खड़ी खड़ी खड़ी, हाँ गुड गुड गुड, सीधी खड़ी हो जाओ, ऐसी खड़ी रही हो ठीक है। झूलना नहीं है नहीं तो थोड़ा पैर पास पास करेगी ना तो उस बॉल के ऊपर भी आ जाएगी तू। ये अब मैग्नेट अलाइन होंगे सही से। हमारी बॉडी में मैग्नेट होते हैं? यस हमारी बॉडी में मैग्नेट्स होते हैं, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को ठीक करता है और भी बहुत सारी चीजें होती है जो ये ठीक करता है। मैंने साइंस अच्छे से पढ़ी है। मैंने पढ़ा तो कुछ भी अच्छे से नहीं था। थैंक यू। तेरे को अभी से सर हो गया क्या? तुमने आधा घंटे मेरे पैर में बैठे रहे, 5 मिनट मेरे पैर दबाए, अब ये। थैंक यू। हां देख ले ये तेरा करवा चौथ गिफ्ट था। हटो खड़ी रही, तो खड़ी रही हो तेरे को इतना आराम पड़ेगा भी तू देखियो। अभी पता चलेगा जब तू इससे हटेगी तब पता चलेगा। पापा ये किया करते थे ये वाला और वो बॉल वाला, तो मैं जब भी मैं इसको देखती हूँ ना वो बॉल देखती हूँ जो एक्यूप्रेशर वाली। हाँ मुझे पापा की बहुत याद आती है। रह नहीं तू रह इस पे रह।
जिससे हटेगी ना तब आराम पड़ेगा। अभी तेरे को लग रहा होगा कि क्या ही हो रहा है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी की फोटो देख के तो मुझे और रोना आ रहा है। मेरे सुपरस्टार बाबूजी मेरे लिए बायस्ड थे, बायस्ड है ना। बाबूजी तुमसे बहुत प्यार करते थे, मतलब अनकंडीशनल लव। जैसे मैं तुम्हें कुछ बोल देती थी, बाबूजी ये ऐसे कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, नाना ये ना कर रहा होगा, तो अपने आप से बोल लिए। अब उतरो। नहीं अरे नहीं, पैर तो पूरा, तुम तो आगे से अपने ऐसे मत उठा आगे से। बस 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 बस, दिन में दो तीन बार खड़े होने लगा। और कुछ काम नहीं मेरे पास। अरे मम्मी कोई ये देखो, ये तीनों तीनों नीतू के चमचे। बेटू कहाँ जा रहे हो? मम्मा कहीं नहीं जा रहे हैं। पता तुम्हें ना, ये काना की बाइक से डर रहे हैं। अच्छा उसकी बाइक आ गई ऊपर। हाँ। कहाँ है? अब काना ने पता क्या बोला सुबह सुबह? हाँ। भाभी मैं ये तब तक नहीं राइड करूंगा इसमें, तब जब तक मुझे 20 तक टेबल्स याद नहीं हो जाते। काना कहाँ गया? तो एक साल में राइड करेगा। बेटा क्या बोला तुमने, उसको चलाएगा नहीं कोई? कब तक? जब मुझको 20 तक याद नहीं होंगे। यार काना, आज इसके मैंने लिप बाम लगाया है। हाँ। और अच्छे से मॉइस्चराइजर लगाया, वरना भग जाता है। ये देखो लिप कितने ड्राई हो गए। चल अंदर, मैं बाकी काम देख लेता हूँ। ओके गाइस, हम यहाँ पर टॉस का शूट करने आए थे जो हमारा न्यूली लॉन्च होने वाला है। अब कर लिया ब्रेकफास्ट, कर रही हूँ पैरों में, और सच में और ज्यादा दर्द बढ़ गया है। क्लेचर भी ले ले। और टॉम और इन तीनों को देखो कितना मस्त खेल रहे हैं यार। चलो भाई, बाय बाय बाय। ब्राउनी पार्टी चेंज कर ली इधर आके। राजा भाई मेहंदी लगने वाली है तुषार आधे घंटे में, जल्दी से ब्रेकफास्ट करेंगे ठीक है। हमारा फेस्टिवल के टाइम पर कितना काम बढ़ जाता है ना, है ना काना? तुम्हारे मस्त है। अब हमारा चल रहा है, क्या हो रहा है हमारा है? यस खाओ, ये हमने बीटरूट इडली है, बहुत टेस्टी है। घी भी ले थोड़ा सा। ले तो लिया। अच्छा मैंने दे दिया। हाँ। जितना घी खाएगा उतना अच्छा है, समझा? दूध भी बहुत कम पीता है। जैसे ही आया ना काना के अलग ही हंसी नहीं कर रही थी। काना ये कौन खाया? आप नहीं खाओगे? हाँ, मैं खाऊंगा। मैं विला पर आया था भम्मो को परेशान करने, लेकिन अभी परेशानी की बात कुछ और है। अजय भैया का फोन आया है और उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैं उनको लेके आ रहा हूँ, उनको हॉस्पिटल लेके चलेंगे फिर। चल लिया जल्दी से, फटाफट ले जाके ड्राइवर। पुनीत आ गया है गांव से, पुनीत हमारा भाई। चलो पुनीत, ये भी पुनीत है, वो दूसरा पुनीत है, दूसरा पुनीत है, दूसरा पुनीत है। तो पहले हम लोग उनके लिए ORS ले लेते हैं, यहाँ पर नीचे मेडिकल स्टोर है घर के, और उनको पिलाएंगे क्योंकि उनके मतलब खड़े होने की हालत नहीं है अभी। लेट्स गो, ले भाई। बहुत तगड़ा लॉक है यार ये तो पुनीत, ऐसे ऐसे डाल दो। अच्छा कोई समझेगा उन्हें कि ताला लग रहा। अच्छा। ताला लग रहा नहीं रहता। चल भाई चल, खुला पड़ा रहा है। तो हम आए अजय भैया के पास, अब ये खड़ी है मेरी बाइक। शाइबा कैसा आवाज भी नहीं निकल रही, इतनी तबीयत खराब है क्या शाइबा? बताओ शाइबा, आज हमने चुप कितने टाइम बाद देखे हैं, ऐसे तो अच्छे भी नहीं लग रहे तुम, रो क्यों रहे हो? अरे क्या हो गया शाइबा, रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? रास्ते बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। अरे तो भाई मैं इसलिए आया तो हूँ, चलो हॉस्पिटल लेके चल रहा हूँ, तुम आओ आओ बैठो हॉस्पिटल। ये लो पहले तो इलेक्ट्रोल लो। शे पागल हो गए हो क्या? मैं इसलिए तो आया हूँ, रुको दो मिनट में इलेक्ट्रोल पी लो पहले, वो लेके आया क्योंकि मुझे पता तुम्हारे में जान भी नहीं हो जाने लायक अभी, ठीक है? अरे भाई ये ना इमोशनल हो जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी, थोड़ा सा बुखार है, वायरल चल रहा है आजकल, मौसम चेंज हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो मजे से? कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी? ठंडा पानी पी रहे हो ना, उस वजह से मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा गनीमत बरतो। रो क्यों रहे हो, रोने से ठीक हो जाओगे? अरे बेटे की जान, शूद ही यूपीसी पहनते हैं साहिबा हमारी। ये यूपीसी कब मिलती है बता दो लोगों, क्रिकेट खेलने पे जब मैं यूपी की टीम से खेला था, आंख एकदम लाल कर रखी है रो के। ये मेरी क्रिकेट वाली ड्रेस है, साहिबा बड़े प्राउडली पहनते हैं। यहाँ पर मम्मी भी आ गया जिले को दिखाने। क्या बताया मैं डॉक्टर ने? फूड पॉइजनिंग क्योंकि बाहर का खा के दही बड़े, दही बल्ले खा रहे थे, दही बल्ले होगी, बल्ले बल्ले सुबह घर गया। हाँ। तो मैंने इससे कहा, मैंने कि कुछ खा ले जा, मैं खाना खा रही हूँ, तू भी खा ले। हाँ। ये करता दही बल्ले दही बल्ले। ठीक है ख्याल रखना अपना। ठीक है भैया, बाय बाय। अब अच्छा फील कर रहे हो ना वैसे? ORS एक और पड़ा है, पी लेना। ठीक है ठीक, बाय बाय भैया। अब तो घर जाके भी कोई फायदा नहीं, मम्मी निकल गई, सोच रहा थोड़ा सा परेशान कर दूं उनको जाके, बट अभी काफी अच्छा लग रहा है। अजय भी ठीक हो गया, और इंसान परेशान हो जाता है मुझे पता है, जब अकेला होता है ना कहीं पे, जैसे ये यहाँ पे हैं और आज अकेले ही थे, बीमार होते हैं तो यार कई बार रोना निकल जाता अपनों को देख के। क्या हुआ काना, नींद आ रही है? तो तुम ऐसे पढ़ने बैठा है, 10 मिनट बाद आया तो देखा ऐसे झूल रहा, मैंने क्या हो गया, कह रहा नींद आ रही है। चलो अभी मेरे साथ मेहंदी लगाने जाएगा तब इसको ठीक हो। मेहंदी लगवाओगे काना आप? मेहंदी लगवाओगे? थोड़ी सी ठीक है। काम सुन जा, अभी तो अंदर जा, सो जा, आधा घंटा सो जा, जा मेरे रूम में चले जा, इसका और मेरा रूम सेम ही है ना काना? कैसे आई मेरी याद है? मेरी याद कैसे आई? वो जले हुए चावल खा लिए थे अभी, फिर आपकी याद आ गई। अब मुझे जले हुए देखे खिला देना। क्या कर रही हो? पहले मैं गैस भरूं, फिर पकौड़ा लूं। कह रही मेरे पेट में गैस बन रही है इसलिए मैं पकौड़े खा रही हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक, सब बढ़िया। मैंने सुना बहुत कड़ाके की ठंड है वहाँ पे। तो यहाँ पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर मोहिनी बिश जी सीधा चकोटिया से रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि आप लोगों को ताज़ा जानकारी मिल सके वहाँ के मौसम के बारे में।
बकवास करता है, कितना बकवास करता है लड़का। शायद किसी से बात कर रही है वहाँ पे, जो लड़का बहुत बकवास कर रहा है तो बीच में हमें भी सुनाई दे रहा है। क्या कह रही हो आप, किसी को ऐसे मत बोलो। जब तो स्कूल में गया होगा तो क्लास यही बकवास की पढ़ी होगी वहाँ। मैंने क्लास बकवास की नहीं पढ़ी, मैंने टॉप भी किया साथ में। अच्छा, अभी जा रहे हैं वहाँ प्रसाद करवा के आ रहे हैं। जाओ ठीक, और सब ठीक? सब बढ़िया, सब बढ़िया। मेरी नीतू ठीक है? किसकी नीतू? मेरी नीतू है, मेरी नीतू। अच्छा आपकी नीतू? आप तो खुद मेरी हो, तो आपकी हर चीज मेरी हुई, ठीक है? तीन चार डायलॉग सीख लो जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो। ठीक है जा। करवा चौथ की मेहंदी के लिए मैं हो रही हूँ रेडी, और ये मेरे एकदम से बाल लंबे हो गए और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं यही चाहती थी कि मेरे बाल लंबे, तो खैर मुझे इतने लंबे नहीं पसंद, लेकिन घने हो जाएं, सर पे बाल उगाए, तो वो हो गए हैं। देखो गाइस, यहाँ पर आ गए हैं मेरे नूडल्स। ऑल ऑफ सडन मेरा नूडल्स खाने का इसलिए मन हुआ क्योंकि पूनम देवी और सैंडी वीडियो कॉल कर रहे हैं मुझे नूडल्स खाते हुए, और आपको पता है पहाड़ साइड में नूडल्स मोमोज कितने टेस्टी होते हैं। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने भैया को बोला भैया जल्दी से मेरे नूडल्स बनाओ, मेरा पानी आ रहा है मुँह में। फिर भैया ने ना स्ट्रीट स्टाइल टाइप नूडल्स बनाया, बहुत टेस्टी है। तो ये चाची से मैं वीडियो कॉल पे बात कर रही हूँ, मैं और पुनीत नूडल्स खाते खाते बात कर रहे हैं चाची से। चाची कह रही है, पुनीत चाची क्या कह रही है? चाची कह रही है आपके नकली बाल हैं। इनको क्या पता रात रात में शरद पूर्णिमा में बाल लंबे हो गए मेरे, पता है आपको? लंबे हो गए, कल बाल कटवाए थे। हाँ थोड़े थोड़े, और कल बाल नहीं कटवाने थे। कैसी बनाई मैंने नूडल्स तेरे लिए? बहुत अच्छे। किसने बनाए? आपने। खाना कहाँ है? खाना बेटा आपको यहाँ पर खाना था हमारे साथ, कहाँ खा रहे हो? आपके नूडल्स कहाँ है? मिर्च लग रही थी तो केचप डलवा ले, बोले केचप डाल देंगे, चलिए। सो गाइस मैं हो गई हूँ मेहंदी के लिए बिल्कुल रेडी, और मुझे ऐसा लगा पहले मांग टीका बहुत ओवर हो गया, फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई करवा चौथ साल में एक बार आता है तो भाई ओवर होना चाहिए हर चीज़, तो इसलिए मैंने गजरा रियल हेयर, मेरा निटॉस का सूट और ज्वेलरी बहुत ही सुंदर से। कैसा लग रहा है मेरे लोग कमेंट से बताना, कैसी लग रही हूँ मैं? तुम हंस क्यों रहे हो? मैंने रील डाली है करवा चौथ की स्पेशल, तो अभी बकवास मत करो। मैं कैसे लग रही हूं? तुमने मुझे नहीं देखा, तुमने करवा चौथ की रील देख ली है? इसलिए तो मैंने रील डाली है, दिखाऊं तेरे को? मेरा तो मन करता है कभी-कभी तुम्हें इतना मारूं। दिखाऊं तेरे को रील? दिखाऊं एक बार? पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूं? अरे बहुत सुंदर, सबसे सुंदर, उससे सुंदर कोई है ही नहीं, बना ही नहीं। आओ अपने हाथ में मेहंदी लगवा लेना। किसने? क्यों? क्यों मैं तुम्हारे लिए मेहंदी लगा रही हूं तो तुम मेरे लिए लगाओ, हर चीज इक्वली होनी चाहिए ना। चलो यार ये पूरा दिन फोन पे क्या समझ नहीं आता, मुझे भी नहीं देखना, बाय। ये वाली वीडियो आपने देखी? नहीं देखी? ये मैंने बड़े प्यार से एडिट कराई है, नीतू को दिखाता हूँ, उसके रिएक्शन देखता हूँ। नीतू, नीतू का है? इधर 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 वीडियो देख, वीडियो क्या रेटिंग है बता देख। कार्टून हो गया तुम? ओए टेडी ने देख लिया, उसको पता चला मैं धोखा देके उसके जा रही हूँ। आ गया आ गया। काना कहाँ जा रहे हो आप? और मैं कहाँ जा रही हूँ? हम दोनों अलग अलग जाए। आप भी थोड़ी सी मेहंदी लगाओगे? आप किसका नाम लिखोगे? आपने मेरा नहीं लिखना, क्या है मेरा नाम? ये थोड़ा हमारा भुलक्कड़ है गाना और भूल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, उन्हें याद दिलाएगा। गाइस मैं ऐसे बाहर तो निकल गई, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ओवर हो गया है, आसपास के लोग मुझे यूँ देख रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने वैष्णवी की मेहंदी लगाई। वाह सुंदर लग रही है। क्या हो गया ब्राउनी, दिखा ना पीछे भी लग गई? लग गई यार, बड़ी जल्दी लगा दी भैया ने तो, बहुत ही सुंदर। क्या बोलते हैं मराठी में? खूब छान। खूब छान, हाँ मुझे मराठी का कुछ आता है तो सिर्फ एक वर्ड आता है, खूब छान। और यहाँ पर मेहंदी की डेकोरेशन मैं आपको थोड़ी सी दिखा देती हूँ। ये देखो यहाँ पर मैं बैठ के आराम से मेहंदी लगाऊंगी। वैसे तो मैंने इधर बैठ के क्यों नहीं लगवाई, क्योंकि ऐसी मैं यहाँ बैठ गई थी, लेकिन यहाँ पर लगेगी मेहंदी। मैंने इस रूम में टॉम और ब्राउनी दोनों को बंद कर दिया, वो दोनों आराम से खेलेंगे, तब तक मैं देखती हूँ। मैं उल्टी तरफ हो गया, मेहंदी उस तरफ से लगनी चाहिए थी। एनीवेज यहाँ से मेहंदी लगाएंगे, और मैंने पहले सोचा था पूरी मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं लगवा पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी बैक पेन है और यहाँ पर बैठना पड़ता है कम से कम 2-3 घंटे। कैसे होगा मैनेज भाई? वैष्णवी के पैरों में भी लग गई है मेहंदी, तो पहला करवा चौथ। रोहित का नाम कहाँ लिखवाया भैया? इसके पति का भी नाम लिखना है। आप सुनो, जब तुम छुपा के लिखना और फिर उसको बोलना ढूंढे, ऐसे होता है, छुपा के लिखना चाहिए। अगर ढूंढ दिया तो ठीक है, वरना 10,000 रुपए ले लेना। वैष्णवी की मेहंदी लग चुकी है, दिखा वैष्णवी। वाह बहुत सुंदर। तो भैया कह रहे हैं कि पैरों, पहले भैया मेरे पैरों के स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं भैया को कह रही इसकी तरह लगाना है, बस बहुत लाइट लगाई है, भर के लगाना पैरों। सो मेरी चाची भी आई थी मेहंदी लगाने के लिए, लेकिन वो आ नहीं पाई, उनकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है। तो मैं, वैष्णवी और मॉम, हम तीनों की मेहंदी लगेगी। मॉम लेट आएंगे क्योंकि उनको बहुत कम लगानी, तब तक हमारा निपट जाएगा, फिर उनका फटाफट हो जाएगा। लास्ट करवा चौथ में भी भैया ने लगाई थी, और आपको पता है मैं कहाँ से लगवाती हूँ, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, आप भी बुकिंग करवा सकते हो। जो हमारे घर में डेकोरेशन वाले हैं वो थोड़े नकली हैं, बहुत गंदी डेकोर की है कि वो फूल ही निकल गए यहाँ से। वैष्णवी कैसे लोगों को बुलाया तुमने यार, बेकार लोगों को बुलाया, मजा नहीं आया। तो यहाँ पर लगेगी मेहंदी, कहाँ इस बारी मेरा यहाँ, पहले लास्ट टाइम मैंने यहाँ तक लगवाई थी, लेकिन इस बारी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ।
अभी अभी अजय भैया से बात हुई और ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, पता नहीं क्यों। दवाई भी ले ली उन्होंने, उस टाइम ठीक थे जब मैं उनके पास से आया था। तो मैं ज़रा नीतू को बता के और मैं निकल जाता हूँ यार। वो कह रहे हैं वीकनेस हो रही है और जब फूड पॉइजनिंग होती है तो उस टाइम पे नारियल पानी वगैरह ज़्यादा देना चाहिए, तो उनके लिए लेके चला जाता हूँ। नहीं तू ये क्या कानों में एयरपॉड लगा के बैठी है? सुन मैं ना अजय भैया के पास तक जा रहा हूँ। ठीक नहीं हो? नहीं ठीक, पता नहीं अभी फोन आया कि ठीक फील नहीं कर रहे और वीकनेस हो रही, तो उनको नारियल पानी वगैरह दे के आ जाता हूँ। इधर ही ले आओ ना। देख तो लूँ जाके। नीतू और वैष्णवी आज दोनों रौद्र रूप लेके बैठी हुई हैं, पता नहीं इनकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। अच्छा रोहित से एक्सपेक्टेशन वैष्णवी की समझ है, तेरे को तो मेरे से एक्सपेक्टेशन भी रखनी चाहिए। तू तो मुझे जानती है। जानती हूँ मारती भी हूँ। क्या कहती है? जानती हूँ मारती भी हूँ। मारती भी हूँ? मारती भी हूँ तुम्हें। अच्छा हिंसा कराएगी? क्या हो गया बेटा? उसको भगवा की वीडियो बना रहे। उसको भगवा की वीडियो बनवा रहे? कौन वीडियो बना रहे थे अंकल? अंदर चलेगी वैष्णवी। क्या प्लान है आज? तू लगवा भी ली रोहित की मेहंदी? हाँ रोहित मना कर रहा है वैष्णवी से कि मेहंदी मत लगवाइयो क्योंकि भाई को गिफ्ट देना पड़ जाएगा ना करवा चौथ का। दे तो दिया। दे भी दिया? क्या बात है, उसको छीनना बोलते जिसने करा है। अपना हक छीनना पड़ता है ना। गाड़ी आ गई तेरी? हाँ चलो आ जाओ, चलते हैं अजय भैया के पास। भाई इसके पास भी बिल्कुल मेरे सामने नारे ला रहे हैं। ये भी चीज़ गाइस मैं पहली बार देख रहा हूँ, आप भी देख लो। ये जो रोड किनारे जो वेंडर्स होते हैं इनके पास ऐसे नारे लाते हैं सारे, और वो बेचारे चुन चुन के ले रहे हैं कौन सा उनको लेना मतलब अच्छा लग रहा है, वो सेलेक्ट कर करके ले रहे हैं। कुछ इसमें पानी वाले होंगे, कुछ इसमें मलाई वाले होंगे, और वहाँ मैंने 5 नारियल पैक करा लिया जब भी आके लिए। तो ये आपने पहले कभी देखा था नहीं, मेरे को ज़रूर बताना। शाइबा जी भैया। कोई नहीं ये लो नारियल पानी लो, इससे तुम्हारे अंदर एनर्जी आएगी बढ़िया वाली। ठीक है? हाँ वो दवाई खा के वो फीवर उतर गया, फिर चल गया। कोई बात नहीं, वो होगा शायद। ये देखो अन्नू भैया को देखो, अजय भैया के छोटे भाई हैं ना, और कितना ख्याल रख रहे अपने बड़े भाई का। लो घर चलो, मेरे पास चलो, मेरे पास रुक जाना, मैं दिखाऊंगा तुम्हें भाई एक से एक चिल्ली दिखाऊंगा। ऊँट के मुँह में जीरा, ये कुछ गया थोड़ी। ले लो एक और ले लो, ये खत्म करने हैं तुम्हें। कब तक कर दो खत्म ही नहीं बताओ? शाम तक खत्म कर दो, फिर मुझे फोन कर दो, मैं दोबारा ले आऊंगा। ठीक है? ओके बाबू। तो भैया बता रहे हैं कि ये 3 दिन नहीं सोते करवा चौथ जब आता है, रेडबुल पी के या फिर कॉफ़ी पी के ये लोग काम चलाते हैं। मतलब सच में यार आँखों में इनके दिखता है कितनी मेहनत करते हैं। मेहंदी आर्टिस्ट भी आसान नहीं है काम, मुझे तो बहुत टफ लगता है। और ये देखो कैसे सो गया है। भाई मेहंदी लगने के टाइम ना मैं सबसे ज़्यादा बोर होता हूँ। कभी लगता है मैं मेहंदी लगवा लूँ अपने टाइम पास हो जाए, कभी लगता है मैं मेहंदी लगा दूँ। ओ भाई शांत हो जाओ भोगड़े। यार ये कैसा है यार, कितना भोगता भाई। ए ओ नो, हमारे घर पे कोई भी आ जाए इसका भोगड़ा स्टार्ट हो जाए। नो नो नो। और मैंने आज रियलाइज़ करा है कि सर्दियाँ आ गई हैं, ऑलमोस्ट आ गई हैं 50%। तो अब जितनी मेरी फेवरेट टी शर्ट्स हैं ना भाई, मैं दबा के पहनूंगा अगले 3-4 दिन, क्योंकि 3-4 दिन की ही मेहमान है, उसके बाद सर्दी आ जाएगी, फिर तो इनको सबको रखना पड़ेगा। तो अब आप भी ये अप्लाई करना, जो भी आपके अच्छे अच्छे कपड़े हैं ना गर्मी वाले पहन लो, फिर एक साल बाद आपको देखने को मिलेंगे। ये बाबू किसी पे नहीं भौंकता, ये वाला बाबू सबको प्यार करता है। बट दिक्कत मुझे पता क्या लगती है कि अगर हमारे घर कभी कोई चोर आ गया तो गुची उस पर भौंकेगा भी, ये उसका वेलकम करेगा। क्यों डूची? ये राज तो वैसे भी डूची के ही दिमाग में बंद है। सो गाइस भैया का कहना था कि मैं चांद तारे बना दूं, तो चांद तारे बना दिए मेरे हाथों पर। ये देखें मैं देख रही हूँ अपने चांद को। भैया चांद तो पूरा होना चाहिए ना, कल तो चांद पूरा 20 तारीख को तो पूरा आता ना चांद, पता नहीं है भैया। हाँ बट ऐसे ही बनता है डिजाइन में, ऐसे डिजाइन में ऐसे ही बनता है क्योंकि फिर वो लगेगा नहीं ना चांद है। अब मैं मॉम को फोन करती हूँ और उनको बोल देती हूँ मैं आ जाएंगी। हेलो मॉम, एक घंटे में आ जाना आप। ठीक है वही ना, मेरे बस पैर और पीछे हाथों में रहते, मैं आपको बुला दूंगी फिर। ठीक है? ठीक है, एक घंटे में हो जाएगा वैसे मेरा। हाँ ठीक है। हाँ तो जी मैं आया हूँ विला पर मम्मू को लेने के लिए, नीतू ने कहा उनको लेके आना है। मम्मी को फोन तो कर दिया बट टाइम से तो कभी नहीं आ सकती, मेरी ही माँ है। चल मेरी तो तबीयत खराब हो रही है। कैसे? ऐसे ही नजर लग गई थी क्या? अरे नजर ना लग गई, मुझे लगा बुखार आएगा। सारे खेड़ा वाले एक साथ बीमार पड़े करो। हाँ। अजय भैया भी आप भी? मेरे को 2-3 दिन से हो रहा जुकाम और मतलब डोलो खा रही हूँ, कई दिन हो गए। अच्छा। एक चीज बहुत ही बुरी हुई है वो है ये पैर, पैर का दर्द जाने का नाम नहीं ले रहा, सुबह से हो रहा है और अभी तो इतना इनसेन वाला हो गया ना। मैंने छोटे को बोला जितना टाइट हो सके ना उतना बांधा, और बेचारे ने बहुत ही अच्छा बांधा है, मजा आ गया। देखो मेरे पैरों का कलर कैसे चेंज हो गया। खोल दो, खोल दो, लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है। अभी सैंडी होता ना मैं ऐसे किसी से पैर दबाती हूँ, लेकिन मैं बैठ जाता कुछ तो करता। तो मॉम भी आ गई हैं और मॉम मेरे शगुन की थोड़ी मेहंदी लगेगी और मैं मॉम के लगा। आ जाओ जी। ये किस की साइकिल है? ये उसके काना की? नहीं काना की नहीं है, नॉन स्टॉप बजाई जा रही हो। हेलो हेलो, और आप कैसे बुला रहे थे? कैसे राधा रानी जी बन के मतलब
ये ज्यादा भी नहीं है मॉम, ये मेहंदी लुक है। ये मेहंदी लुक है तो मैं कपड़े तो ना मेहंदी लुक के, ये निटॉस है ना मॉम, तो निटॉस के ग्रीन भी तो होंगे। नहीं ग्रीन है वो, फिर ये न्यू कलेक्शन है ना। अच्छा। दिवाली और करवा चौथ ड्रेस ले आओ बैठो। आप मेरे थोड़े से एक टिप लगा दो क्योंकि मैंने इसीलिए बुलाया है। अच्छा। तो शगुन की मेहंदी लेकिन तुम्हें कुछ लिख दे आप ले लो, मुझसे ढूंढ पाएगी मम्मी यहां पर कुछ लगा रही है। अच्छी बनी हुई है। अरे चांदनी लगा दो ना। और लगे सबके? हाँ वैष्णवी के लग गई है। तो ये क्या है, सजाया ना? मैंने बुलाया था सजाने वाले को, वो 2 बजे आ रहा था। मैंने कहा इतने ये तो दो ही फूल लगा के। नहीं नहीं लगवाया उसने, फिर तो चांदनी लगाए। करवा चौथ पे सजवाऊंगी मम्मा, वहीं पर वो खोलेंगे पास। मुझे क्यों बुलाया है? तुम भी मेहंदी मॉम लगन भी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? आपके वास्ते मुझे पता चल गया था। खांसी वो, अरे इस घर में और उस घर में दोनों में बहुत सीलन है, लेकिन इसमें ज्यादा है। लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है, यहाँ तो उसमें है ही ना। इसमें टाइल्स लगेगी मैम, सब कुछ बन गया था फिर मैंने चेंज करवा दिया। हाँ ये ठीक है, सिंपल सही है। ये अच्छी है क्योंकि इसमें ना एक कणा भी आ रहा है। मैं मेरी तरफ तक सूझेगी तो मैं भी आपके थ्रू लगा। अच्छा फिर हो गया पेपर पास हो गया? कौन सी मैम? बीएड कर ले कम्प्लीट। अच्छा अब तो तेरी शादी होगी बता देता किसी को नहीं छोड़ूंगा अगर वो बन गया किसी दिन तो। अरे इसकी मम्मी पापा को ना कोई ऐसे परेशान करता है तो ये बहुत रोता है। तो वो इसका प्लान भी है ना, वो सब अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो वो नहीं उंगली कैसे लगवाओगे? नहीं मेरे से मत, ये कोई बात हुई कि मेरे से? मुझे भी नहीं पसंद फास्ट रखना। तुझे मत रख फास्ट, मेरे को पसंद। अभी नवरात्रि में रो के अंदर रुकती, नौ नौ के नौ रख के मानेगी, वैसे नहीं करेगी। मगर मैंने नौ रखे नहीं थे ना। आपके तो मैंने लगाई थी। पापा लगाए? पापा पापा हमें मत कह तू बुड्ढा हो गया, तू लगा, तू बाल रखा। ये तो इसकी अलग जिद है, मुझे अच्छी नहीं लगती ना, मैंने लगवानी यार। अच्छी अच्छी की बात ना होती, थोड़ी सी ऐसे सबुन की लगवा ले। पापा क्यों नहीं लगवाई? अरे पापा को तो लगवा ना, बुढ़िया को लगवा रहा है। जवानी में लगाई गई पापा ने? हाँ लगाई थी, मैंने लगाई थी ना। नहीं भाई खाइए मेरे कसम, हमारे टाइम पे ना लगाए करे, अब भी तो लगाते हैं। एक टीका और टी गई तो और किसके भरकार लगाएंगे थोड़ा सा तो। मम्मी ये ऐसी तो करती है, भरकार मैं कैसे, मेरे पोस्टर कैसे होगा लेटे लेटे? मुझे विष्णु चार जने पूरी सृष्टि को देखते रहो, जैसे विष्णु जी देखते है ना ऐसे। आज लखन को मैंने कितने बजे उठाया पूछो? सुबह जल्दी उठा दिया। अरे कुत्तों को खाना देने जाना, फ्रेंडी है नहीं यहाँ पर, वो गाँव गया हुआ है। मैंने कहा तुम चलो खाना देना, मैंने देकर भी आगे नहा भी ली तब, चल चलते मैं तो इसीलिए उठाऊ। मैंने कहा दे आई, फिर जो रखा है गुस्सा किया क्योंकि 7 बजे उठा दिया। अच्छा नींद आती ना मेरे को उठने के बाद, तो फिर सोना ही क्यों है 7 बजे के बाद? भाई लेट सोता हूँ ना। लेकिन झूठ मत बोलो, कल तो 11 बजे ब्लॉक पिलॉक करा के, ब्लॉक क्या ब्लॉक पिलॉक ब्लॉक पिलॉक ब्लॉक पिलॉक करा के ब्लॉक बनाओगी तुझे तो सारी चीजें मैं सब तुझे तो बहुत चीजें सिखाई है लोगों ने। हाँ तू बनना ना पाती कभी, मेरी स्क्रिप्ट लिखी है लोगों ने। ओ वरना तू तो ऐसे ही रह जाती लग रहा है। लेकिन जो लोग तुझे सिखा रहे हैं तुझे दे रहे हैं लिखते हैं, वो खुद क्यों ना कर पाए कुछ? कुछ लोग दूसरों के लिए ही बने हुए हो, हैं वो नहीं कर सके, अपने लिए नहीं करते हैं। नहीं दूसरे की मेहनत पे अपना पानी फिरा दो, अपना नाम लगा लगा के। भाई ये देखो ये ब्रश बन गया बहुत अच्छा सा, मैं वही टेस्ट कर रहा हूँ। मम्मी मेकअप रिमूवर एकदम ऑर्गेनिक। ये क्या है? हाथ धुल करके पी जाओ। जमा लो मोटा है तो मेरी मेहंदी खराब कर दी लगता है। ये मैंने इसलिए करा ताकि इन दोनों को आपस में मेहंदी लगाने का मौका मिले। अब मम्मी मेहंदी लगाएंगी, मैं जा रहा हूँ, मेरे में डांट पड़ जाएगी थोड़ी बंदे, बहुत डांट रचेगी मेरी। देख यहाँ से भी छुटा गया। ये लगन क्या कर दिया तुमने? मेहंदी तो नहीं शादी में लगाई लगन। हाँ ये देखना बाल लग गया है। ये तो अब मैं लगा रही हूँ मॉम की शगुन वाली मेहंदी, ऐसे लगानी चाहिए तीज पर भी और करवा चौथ पर। लगाई थी तीज पर भी, तुमने तीज पर भी लगाई? तीज पर लगाई ना तो पीछे भी लगा दी मेरे नेल्स पर, आज तक उसका कलर नहीं गया, नेल पेंट हटा लेते। मेरे को ना नेल्स पे लगाना सच में, नहीं मॉम गलती से लगी थी मैंने जाना। हाँ तो गलती से ऐसी लगी है कि आज तक हटा ही नहीं। आपने नेल पेंट लगाया ना पता नहीं चला। देखो इसने क्या किया, राजा भाई बता रहे थे
कि आजकल लोग आईब्रोज कर रहे हैं मेहंदी से, मैंने कहा लिप लाइनर कर रहे हैं, तो इसने सिंदूर लगा दिया, कह रही गाढ़ा हो जाएगा, रोज रोज क्या लगाना, कह रही कलर आ जाएगा हफ्ते भर चलेगा, कितने पागल है। हम दोनों फिर ऐसे दिखाएंगे ना फोटो में, कल नहीं दिखा सकते हैं? मॉम देख लो, अरे लगा लेगा तुझे कौन सी परेशानी, अरे मैं कह रहा हूँ कल भी तो लगा सकते हैं, तो सुंदर आज इतने सारे काम करने हैं, लगा दो अरे यार अब एन से क्या है, एन से नीतू नितारा नीटोस सब एन से ही है, नीटोस क्या कुछ यार आज हां मैं पूरा नाम नहीं हूं, पर यहां पर पूरा नाम लिखवा लगा कम है फूल और पत्ती, हां थोड़ा अब एक्स्ट्रा ही होगा, देखो मुझे सच में मुझे बचपन से शौक नहीं रहे इन चीजों को, सही बता रहा हूं, मेरे को भी नहीं रहा, तुझे तो बहुत शौक है, तू तो बिना उसके लगवाती थी, मुझे नहीं, तू फोर्स कर दी, हम लोग आ गए हैं मेहंदी लगाकर यहाँ पर, और मॉम पहले पहुँच गई थी लेकिन मैं अभी थोड़ा लेट पहुँची हूँ क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, देख ही सकते हो आप इनका प्यार। चलो हम बाकी उसे मिले। पाई कैसे सांस फूलना है, सीनियर चढ़ी थी ना, नमस्ते पाई, नमस्ते, ये देखो मेरी मेहंदी देखो आप, अरे वाह बहुत सुंदर सुंदर, अंधेरा भी दिखा रही है ना, लाइट जला लेती, पाई को सब दिख जाता है, मेरी नीतू बेटी जैसी सुंदर, ये देखो तू तो छुटा भी आई, मामू गिर गई है यार, अच्छा, मैं क्यों छुटाऊंगी, मस्त, अच्छा तू ये देख रही है छन्नी से, अल्लाह की कहाँ है, तू कैसे आ गया, लकी कहाँ, चांद कहाँ है, अच्छा हम क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डर रहा है बेचारा, उससे देखो वो भूत लगा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, हाँ बहुत डर रहा है, देखो कितना डर रहा है, यहाँ पर पाई फुल कोशिश कर रहे हैं बिड़वाने की हमें, क्या कह रहे हैं मम्मी नीतू को, तारीफ करके कह रहे हैं कि लकी ने तारीफ नहीं की, मैंने कही है यार नीतू बहुत सुंदर लग रही है, पर ये बात लकी ने क्यों नहीं कही, मैंने क्यों कही है, मैंने कही थी इससे पूछो, मैंने बुलवाई थी पाई तब बोली थी, तब बेटा मम्मी साथ दियो मेरा, क्योंकि मम्मी तो तेरी खुद कह रही है बहुत सुंदर लग रही, अरे तो मैं कब कह रहा हूँ सुंदर नहीं लग रही, मैं कह रहा हूँ ठीक है भाई, ये देखो जी जो मेहंदी मैंने लगवाई है, मैं सुन रही थी, कौन मैं, प्यास दे, देख लो क्या कर रही है, पानी पी है, क्योंकि ये इसकी जब सारा है निखार का टोरा भाई, इसे देख के ना जा रहा है, पानी पीना है, क्या खा गया, खा ले पनीर, अभी उसकी नजर ना पड़ी है बस, नीतू इसे तुरंत उठाना पड़ेगा गोदी में, देख कैसे देख रहा है इसकी निगाह, देख गुस्सा आ गया, पनीर खा रहा, पनीर आतंकवादी की निगाह देखो उसकी, बस बस थोड़ा ही खिलाना, अब मत खिलाना, हाँ बस अरे नीतू क्यों कर रही है यार, नीतू उसे पिटवाई क्या यार, नीतू पिटवाई क्या, वो नहीं करेगा, नहीं करेगा, ब्राउनी का बहुत बड़ा खतरा है, ये पॉटी ना कर दे, अभी तक तो मॉम लंदन में थी तो ये कर दे रहा था, तभी मैं रोकी नहीं थी, बट स्टिल अभी मुझे बहुत तेज भूख लगी, मुझे वॉशरूम जाना है, कुछ भी नहीं किया मैंने, मैं गई थी लेकिन मेरी मेहंदी थोड़ी सी और वो हो रही थी, आई मीन गीली, अब मैं जाऊंगी दोनों जगह, आप कैसे जाओगे पैदल, छोड़वा देती मैं, चलो ओके सो गाइस मैं चली घर की तरफ, भैया प्लीज इसको अंदर करवा देंगे, अब चलते हैं, हम दोनों ने मेहंदी लगा ली, सास बहू की मेहंदी कैसी लगी कमेंट्स में तो जरूर बताना, आई नो दोनों ही अच्छी लगी होगी, मॉम ने कम लगवाई है, मैंने ज्यादा लगवाई है, तुम कैसे मेरे पीछे पीछे आ रहे हो, आ जाना, चल रहा हूं मैं भी, तुषार को गाड़ी चलाने को दी है तूने, यस लेट्स गो, देखता हूँ बदनाम है अच्छा चलाता है, गाड़ी चलाने में, अच्छा भैया तुषार कैसे गाड़ी चलाता है, ये भगवान पहले जोई ने हमारा व्लॉग खराब किया हमेशा है, जो जो बेबी प्यारू बेबी बावला तो है, ए उसकी मम्मी को पता चल गया ना, तो ये है मेरा डिनर, तो मेरी मेहंदी का कलर रच रहा है, देखते मेरी सास मुझसे ज्यादा प्यार करती है, मेरा पति क्या सीन है, मतलब सास का प्यार से बढ़ती है या फिर पति के प्यार से, मुझे तो आज से समझ नहीं आया, तुझे क्या लगता है इधर आ, मेहंदी जब गाड़ी होती है तो क्या सास प्यार करती है इसलिए गाड़ी होती है, पति प्यार करता है इसलिए, मेहंदी अच्छी क्वालिटी की होती है इसलिए होती है, कहा ना डिनर किया क्या, आओ कबाब खा ले जल्दी, काना और मुझे कबाब बहुत पसंद है, पुनीता बैठ ले, एक 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 काना खा लेगा ना, काना क्यों शक्ल बना रहा है, इतने टेस्टी पालक कबाब, वाह क्या खा रहे हो, कबाब पसंद है आपको कबाब, हाँ कितना पसंद है, ओके गाइस तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, मैं होप करी मेरी मेहंदी गाड़ी और बहुत 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 डार्क रचे, देखते हैं सास और पति कितना प्यार करते हैं, ये उस पर निर्भर करती है, ओके मिलते हैं कल, बाय बाय, तब तक के लिए आपको क्या करना है पता है, सब्सक्राइब करना है अगर चैनल पर नए हो और लाइक करना है, बाय।